हरिओम। एक बार एक पड़ोसी की पत्नी मर गई और वो पड़ोसी उनके घर गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि कोई बात नहीं, संसार है, आना जाना है, जहाँ हर कोई जाता है, तुम क्यों रोते हो। उनको सांत्वना ज्ञान के साथ दे रहा था। और एक हफ्ते के बाद उसकी अपनी बकरी मर गई तो वो रो रहा था। तो ये पड़ोसी अभी उसके घर जाता है तो वो हंसा, बोलता 4 दिन पहले मेरी पत्नी मरी, इंसान जो मेरी सेवा करती थी, मेरी देखभाल करती थी, मेरे घर वाली थी, उसके लिए मैं रो रहा था और तुम मुझे ऐसे दे रहे थे। तुम्हारी तो एक बकरी बनी मरी है। तुम खुद बंधन में हो तो दूसरों को क्या ठेका लेते हो ठीक करने का। अगर अपने हाथ में रस्सी बंधी है तो दूसरे के हाथ कैसे खोलने जा रहे हो। तो इसमें एक दृष्टांत है कि एक राजा को पंडित रोज सत्संग सुनाता था, उसको बड़ी बड़ी बातें सुनाता था और राजा उसको थोड़ा वेतन देता था, तनख्वाह देता होगा 5-10 हज़ार। तो एक दिन राजा ने बोला, सालों गुजर गए, जैसे हम रोज सालों गुजर गए हैं सत्संग में आए, फिर भी हम वो ममता में बैठे हैं, कुछ भी तो नहीं छूटा, ना वैराग आया, ना राग द्वेष गया, ना निंदा चुगली गई, ना कुछ, तो फिर इसका मतलब क्या है। एक ने सत्संग कानों के अंदर डाला, दूसरे ने खाली ऐसे ही आया, छोटी छोटी बातों में ही रोता रहा। ऐसे राजा पंडित को बोलता है, मैं बूढ़ा हो गया सुनते सुनते, तुम बूढ़े हो गए सुनाते सुनाते, और मेरा खर्चा भी हो रहा है, मैं तुम्हें तनख्वाह भी देता हूँ, और मेरे में कोई फर्क भी नहीं आया है। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, भगवान मेरे में फर्क नहीं आया, बताइए क्या है। भगवान का ज्ञान हो और फर्क नहीं आए। बोलता, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे में ना वैराग है, ना त्याग है, ना भक्ति है, तो मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, तुम सोच लो, मेरा इसका जवाब दो कि मेरे को ये फ़र्क क्यों नहीं आया, नहीं तो तुम दूसरा अपनी रोजी रोटी के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो वो परेशान हो गया, ढीला मुंह करके जा रहा था, मुंह लटका के रास्ते में एक महात्मा, सच्चा पुरुष मिला, उच्च कोटि के सच्चे पुरुष, इसमें देखो कैसे व्याख्या की जाती है। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटकाए जा रहे हो। तो उसने पूरी बात बता दी, ऐसे ऐसे राजा ने मुझे 1 महीना दिया है, उसका प्रश्न है, उसका मुझे जवाब देना है, उस क्योंकि उसको ना वैराग्य है, ना भक्ति आई है, ना त्याग आया है, वो बोलता मेरे में कोई फर्क नहीं आया, तो आप बताए मैं क्या करूं। उस महात्मा ने कहा, देखो पहुंचा हुआ इंसान क्या करेगा, अगर हम उच्च कोटि के नहीं हैं तो हमें अगर सत्संग में बोला जाए तो हम सत्संग छोड़ देंगे, लेकिन हमें कोई उच्च कोटि का संत नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलोगे पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कोशिश करनी नहीं है, उसको तो रोजी रोटी चाहिए थी इसलिए मुंह लटका था, हमें तो रोजी रोटी है घर में, हमारा मुंह नहीं लटकेगा। तो उसने क्या करा, बोलता ठीक है पंडित को, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा। इतना उच्च कोटि का इंसान वो शिष्य बन जाता है, जिसके आगे अपने हजारों शिष्य हैं, क्या पहचान होती है महापुरुषों की। पंडित बोला, ऐसे में तुम क्या करना, राजा को नाराज नहीं करना है, तुम बोलो मेरे, जाओ और बोलो मेरे बहुत शिष्य हैं, उनमें से एक शिष्य आपको मेरा जवाब देगा क्वेश्चन का, कि मुझे फर्क क्यों नहीं आया सत्संग सुन के। तो वो गया, दूसरे दिन राजा ने बोला क्या हुआ, बोला जी मेरा शिष्य लाया हूँ, वो तुम्हें जवाब देगा। तो राजा बोला ठीक है, तुम दो जा, तुम्हारा शिष्य दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे दिन राजा ने फिर से प्रश्न किया कि मेरे में कोई फर्क नहीं आया है, उसके शिष्य को बोला और मैंने इसको ऐसे ऐसे बोला है, ये मुझे इसका जवाब नहीं मिला। तो उसने बोला क्या करना है, राजा से कहा, आपको त्याग ज्ञान वैराग्य की बातें सुनी है, उसका असर नहीं हुआ है, उसके लिए समझाने के लिए आपको मुझे 2 घड़ी के लिए अपनी पूरी शक्ति, पूरी राज्य की पावर जो है, अधिकार जो है, वो मुझे देना होगा। बोलता ठीक है, 2 घड़ी के लिए राजा राजा नहीं रहा, राजगद्दी उसने उसको दे दी। राजगद्दी पर पंडित को उसने रस्सी से बंधवा दिया, मंत्रियों को बोला अभी 2 घड़ी के लिए सारा हुक्म इसके पास है, जो ये हुक्म करेगा वो सुना जाएगा।
तो राज उसको बोला राजा मंत्रियों को पंडित को रस्सी से बांध दो, फिर बोला राजा को भी रस्सी से बांध दो। सब देख रहे हैं राज्य में कि राजा को एक साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन राजा लोग बड़े वो होते हैं, जहाँ करना है करना है, उसमें वो नहीं देखना मैं राजा हूँ, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, कैसे उच्च कोटि के होते हैं राजा भी। अब पंडित ने राजा को कहा मेरी रस्सी खुलवा दो। पंडित ने शीश ने पंडित को बोला राजा को बोलो मेरी रस्सी खुलवा दो। राजा को उस पंडित ने बोला, राजा बोलता है जब मेरे ही हाथ बंधे हैं तो मैं कैसे तुम्हारी रस्सी खोल सकता हूँ। तो उसने बोला तुम किसी और से खुलवा दो। बोलता है जब इस समय मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, मैं किसी पे हुक्म नहीं चला सकता हूँ। तो तब उसने बोला, शिष्य जो बन के बैठा था उसने बोला आपने पूरी कथा रोज सत्संग सुनी और वो आपको कोई असर नहीं हुआ और आपकी बुद्धि भी नहीं खुली, इस कहानी से, इससे जो सामने घटना घटी है कि उसके हाथ बंधे हैं आपके हाथ बंधे हैं, आशा है आपको आंसर मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। राजा पूछता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है, आप समझाइए। शिष्य ने कहा जब खुद ही बंधे हुए हैं तो दूसरे को कैसे खोल सकते हो। हर वेले हमें जागना, हर जन्म हमने जागना है। इस समय कोरोना ने हमें इतना कुछ सिखाया, इस समय तो हम अपने गुरु का ज्ञान लेके हम उसमें से निकल जाएं, ये क्वेश्चन होने चाहिए घर बैठ के, ना कि घर को भी हमने कोरोना को भी फन में बना दिया। सफाई हाइजीन तो करना है लेकिन उसमें कितना क्यों इतना समय गवाए। अपने को इम्यूनिटी सिस्टम भी बनानी है, उसमें भी मेरे गुरु का ज्ञान है तो एक आत्मा है, आत्माकार की क्या इम्यूनिटी सिस्टम होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी तो नहीं बचा, उसकी जाने की तैयारी है कि इस दरवाजे से मैं कब निकलवा दी जाऊंगी, मुझे क्या करना है। अगर ये सोच होती, आप जितने सुन रहे हो, मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो मैंने गुरु का ज्ञान समझा, दादा भगवान का और दादा लक्ष्मी भगवान जैसे, जिन्होंने अपना मोह निकाला चंद्रा से, मैंने सुनाया भी था थोड़े दिन पहले। तो उस शिष्य ने कहा जब खुद ही बंधे हुए हो तो दूसरे को कैसे खोल सकते हो। महाराज पंडित जी की जो सुना रहे थे, रोज सुनाते थे, खुद बंधे हुए थे। तोता और मैना राधे कृष्ण जपता रहे बिना ज्ञान के, और अगर बिल्ली आ जाती है तब राधा कृष्ण छोड़ देगा बोलना, टैं 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 कुछ करेगा, उस समय वो राधा कृष्ण नहीं बोलेगा। तो जो संसार से खुला हुआ है, वो छुटा हुआ है, वो हमें भी छुड़ाएगा, जैसे हमारे भगवान दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान, ऐसे वालों के पास आके हम अपना जीवन नहीं सुधार सकेंगे। आई होप भगवान जी के खूब आशीर्वाद बरसें आप सबके ऊपर। हरिओम।